गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 3 विषय गणित में प्रश्नावली 1 के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो आज के इस वीडियो में हम भारतीय अंक पंक्ति या देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय अंक को देवनागरी लिपि के अंक भी कहते हैं या इनको हिंदी अंक भी कहते हैं। तो इस तरह के अंक हैं वो आज भी चलन में हैं। उदाहरण के लिए जैसे भारतीय पंचांग है या ज्योतिष शास्त्र है, या जैसे जो व्यापारी वर्ग होते हैं वो अपने बही खाते में या हिसाब किताब लिखने में इन हिंदी अंकों का प्रयोग है वो आज भी करते हैं। इसके अलावा देखिए, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको कुछ चित्र दिखाती हूँ। देखिए, जैसे ये आपको कैलेंडर दिखाई दे रहा है, तो इसमें देखिए जो अंक लिखे हुए हैं ये अंक कौन से हैं, हिंदी अंक हैं या भारतीय अंक भी कहते हैं हम इनको। इसी तरह से जो शुभदायक यंत्र होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये शनि यंत्र का चित्र है, ये बृहस्पति यंत्र का चित्र है। अब इसमें ये अंक देखिए कौन से हैं, ये हिंदी अंक हैं या भारतीय अंक हैं। तो इसी तरह के जितने भी ये शुभदायक यंत्र हैं, जैसे चाहे गणेश यंत्र हो चाहे श्री यंत्र हो, तो उनमें इन हिंदी अंकों का प्रयोग होता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जैसे पंडित जी कोई भी शुभ कार्य का मुहूर्त निकालते हैं, जैसे कोई शादी का मुहूर्त निकालते हैं, या आपने देखा होगा जैसे छोटे बच्चे का नामकरण करते हैं, तो ऐसे जितने भी ये शुभ कार्य हैं तो इनमें इन भारतीय अंकों का प्रयोग है वो आज भी किया जाता है। तो देखिए, अपने देखते हैं कि ये अंक हैं ये किस तरह से लिखे जाते हैं। तो देखिए, ये अंक आप जानते ही हैं जो अपने प्रयोग करते ही हैं इनको, मानक अंक, और ये है भारतीय अंक। तो इनकी बनावट में थोड़ा सा अंतर है। जैसे देखिए, ये एक है तो इसको हिंदी में, हिंदी अंकों में इस तरह से लिखेंगे। फिर दो को देखिए इस तरह से, ये तीन है तो इसको इस तरह से, चार को इस तरह से। तो इस तरह से ऊपर देखिए ये मानक अंक है और नीचे इनको हिंदी अंकों में लिखा हुआ है। तो ये आपकी प्रश्नावली एक है, उससे पहले पेज नंबर 17 पर दिए हुए हैं, आप वहाँ पर से देखकर इनको लिख सकते हैं। तो अपने देखते हैं एक बार इनको। जैसे एक, ये दो मानक अंक हैं जो तीन, फिर ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात। एक बार मैं सात तक लिख रही हूँ इधर। अब देखिए, अपने जब इसको हिंदी अंकों में किस तरह से लिखेंगे तो बिल्कुल इस तरह से लिख देंगे एक को, इस तरह से। फिर दो है देखिए, तो इसकी बनावट थोड़ी सी अलग है, इसको नीचे से इस तरह से यूँ मोड़ कर लिख देंगे। इसी तरह से तीन है, उसमें भी देखिए बिल्कुल ऐसा सा ही है, लगभग नीचे से क्या है इसको थोड़ा सा यूँ घुमा मोड़ा हुआ है। इसी तरह से चार है, ये इस तरह से बनेगा। अब देखिए, आठ जैसी शेप है ना इसकी, लेकिन ध्यान रखना है ऊपर से क्या है, ये बंद नहीं है। जैसे आठ तो अपने ऐसे लिख देते हैं, ऊपर से बंद कर देते हैं ना इसको, और चार देखिए ऊपर से क्या है, ये आठ की तरह ही है लेकिन ऊपर से ये वाला भाग देखिए इसका खुला है ना, तो इस तरह से चार बनाना है। फिर पाँच है, ये लगभग ऐसा होता है इंग्लिश में, जैसे अपने लिखते हैं स्मॉल लेटर में वाई, उस तरह से है। इसी तरह से जो छः है, अब ये देखिए तीन का बिल्कुल उल्टा, तीन का अब इसका देखिए मुंह इस तरफ है, इसका इधर उल्टा बनाया हुआ है, तो इस तरह से ये छः हो गया। फिर सात है, ये इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद में देखिए, जैसे आठ, फिर ये नौ और ये दस, तो आठ हिंदी अंकों में जब अपने लिखेंगे तो इस तरह से छोटी सी लाइन, फिर इसको नीचे से इस तरह से इसके अंदर से लेते हुए यूँ थोड़ा सा घुमाना है। फिर नौ है, ये लगभग जैसे छः लिखा हुआ है ऐसे से है, देखिए ऊपर से थोड़ी सी, फिर नीचे से थोड़ा सा चौड़ा, और फिर इसका हल्का सा यूँ घुमाकर इसके बीच में एक छोटी सी लाइन खींचनी है। इस तरह से घुमाया हुआ है और फिर यूँ छोटी सी लाइन इसके अंदर से, इस तरह से नौ लिखना है। और दस अब लिखना है, तो देखिए एक और ज़ीरो, तो एक वही जैसे पहले अपने एक लिखा है इस तरह से, और इसके साथ लगा देंगे ज़ीरो। तो अगर आपको एक से नौ तक अंक ये लिखने आ जाते हैं तो बाकी की गिनती तो आप लिख ही सकते हैं। जैसे आपको ग्यारह लिखना है तो ग्यारह में क्या है, दो बार एक लिख देंगे, इस तरह से ये हो जाएगा। जैसे पच्चीस लिखना है आपको,
तो दो लिखेंगे और इसके साथ यूँ पाँच। तो इस तरह से अगर आपको एक से नौ तक अंक लिखने आ जाते हैं तो उसके बाद आप आगे की गिनती लिख सकते हैं आसानी से। तो आप सबसे पहले ये काम करना है आपको कि एक से नौ तक ये जो भारतीय अंक हैं इनको अच्छी तरह से लिखने का अभ्यास करना है और इनकी पहचान रखनी है आपको। अब देखिए आगे अपने ये तालिका दी हुई है, इसको कंप्लीट करना है कि भारतीय अंकों में संख्याएं लिखिए। ऊपर देखिए मानक अंकों में लिखा हुआ है ना, जैसे ये 21 है, इसको फिर इधर नीचे भारतीय अंकों में लिखना है। इसी तरह से देखिए ये 22 है, तो इसको यहाँ पर भारतीय अंकों में लिखना है नीचे से थोड़ा सा घुमाते हुए ऐसे। अब देखिए 23 लिखना है, तो ये दो और इसके साथ ये तीन इस तरह से। फिर 24 लिखना है, तो ये दो हो जाएगा और ये चार हो जाएगा। फिर 25 लिखा हुआ है देखिए, अब 26 लिखना है तो दो और छः। फिर 27 लिखना है तो दो और सात। फिर 28 लिखना है तो दो और आठ। फिर 29 लिखा हुआ है, अब 30 लिखना है। तो इस तरह से तो मैं आपको कुछ संख्याएं लिख के बता रही हूँ। जैसे 61 लिखना है, देखिए 6 और 1 लिख दिया। अब देखिए जैसे 67 लिखना है तो 6 लिख दिया और इस तरह से 7 लिख दिया। अब इसी तरह से जैसे 86 लिखना है तो 8 लिखा और इसके साथ 6 लिखा इस तरह से। तो आप 1 से 9 तक अंक अगर अच्छी तरह से लिख सकते हैं, इनकी पहचान है, तो बाकी की संख्याएं आप आसानी से लिख पाएंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और आपकी बुक में दी हुई है ये हिंदी अंक, तो इनको देखकर लिखने का आप अभ्यास करेंगे। पूरा एक पेज लिखना है आपको और फिर इस तालिका को आप इस तरह से हिंदी अंकों में ये संख्याएं लिखकर इसको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।